हेलो एवरीवन, सो गाइस आज वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कई सारे जो है स्टूडेंट पूछ रहे थे कि एचपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताइए। जैसे आप वीडियो बनाते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के सारे जो है पोस्ट पे, इसी प्रकार जो है एचपी पुलिस कांस्टेबल पे भी वीडियो बनाई। तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने जो एचपी पुलिस कांस्टेबल की वीडियो जो है लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो कंप्लीट रूप से देखिएगा तभी आप लोगों को एडुकेट जो है समझ में आ जाएगा। इसमें मैं टोटल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। यहाँ पे जो है जैसे कि जो टॉपिक्स मैं बात करूंगा इस वीडियो में, नंबर ऑफ ए पोस्ट के बारे में, रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में, लोकेशन प्रोसेस के बारे में, एप्लीकेशन चार्ज के बारे में, एज क्राइटेरिया बने, लिस्ट ऑफ वैकेंसी बने, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्जाम बैलेंस के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक बंदे ने जो है जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा था इस टाइम, एक बंदे ने जो है एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो है सैलरी के बारे में पूछा था, तब मेरी वीडियो जो है इस पर काम हो चुका था, तो इसलिए इसमें सैलरी का मैं मेंशन नहीं कर पाया गाइस। अगर कोशिश करूंगा कि अगर आप डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए टेलीग्राम पे, और इसमें हमारी टीम जो है प्रोवाइड कर देगी इसकी सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो यहाँ पे गाइस सबसे जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैकेंसी निकल के आई है, इसके मैं सारा डिटेल्स लेके आ चुका हूँ। तो बात कर लेते हैं इसके जो है दिस इज ए मेन प्रोसीजर को। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल कंप्लीट। यहाँ अथॉरिटी नेम बात करें तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आपका यूपी पीएससी होता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी प्रकार हर स्टेट का एक अपना जो है अथॉरिटी होता है। यहाँ पे पोस्ट नेम हिमाचल प्रदेश जो है कांस्टेबल जो 2024, एडवर्टाइजमेंट नंबर 2000, और टोटल पोस्ट आपका जो है 1000 के प्लस निकल के आई है 1088। और उसके बाद एचपी पुलिस का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 4 अक्टूबर को, इसकी जो है लास्टिंग डेट होगा आपका 30 अक्टूबर को। इसमें एग्जाम डेट जल्द ही नोटिफाइड कर दिया जाएगा आपको, मैं टेलीग्राम पे भी बता दूंगा, इसकी नोटिफिकेशंस मैं एग्जैक्टली देता रहता हूँ टेलीग्राम पे। जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो सिंपली जाके मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, और साथ में उनको अपडेट डेली वाइज पहले वाइज अब मिलता रहता है। टोटल वैकेंसी चाहे आप मेडिकल से हो चाहे आप विदाउट मेडिकल से हो, टोटल आपको अपडेट इस पे मिलता रहता है। फिर हम लोग बात करिए रिक्रूटमेंट की प्रोसेस से, लोकेशन आपको हिमाचल प्रदेश, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो hppsc.hpgovernment.in है। फिर हम बात करेंगे इसमें जो है इस एप्लीकेशन चार्ज के बारे में। सिंपली गाइस अगर आप बिलोंग करते हैं यू आर ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए तो 600 रुपीज पे करना पड़ेगा, SC/ST/PWD फॉर वोमेन के लिए 150 रुपीज रखा गया है। फिर एज क्राइटेरिया जो है मिनिमम 18 to maximum 26 है। फिर आपको जो है यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है मेल और फीमेल की, टोटल वैकेंसी जो है 1088 वैकेंसी निकल के आई है। तो मेल कांस्टेबल के लिए 708 वैकेंसी है, और फीमेल कांस्टेबल के लिए 380 वैकेंसी देखने को मिली है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं डिमांड किया गया है, इसमें ओनली कैंडिडेट 12th पास होना जरूरी है। फिर हम जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेंगे तो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है, PhD और PAT होता है, और फिर आपका रिटर्न टेस्ट होगा, 90 मार्क्स जो है टेस्ट होते हैं, फिर रिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो एग्जाम पैटर्न गाइस दे सकते हैं, इसमें आपको ड्यूरेशन 2 आवर्स प्रोवाइड की जाएगी, और टोटल मार्क्स आपका 90 है, मार्क्स पर क्वेश्चन 1 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 है, यानी कि 1 question 1 marks के रहेंगे। फिर हम बात कर लेंगे इसके जो है मेल और फीमेल के कट ऑफ के बारे में, जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड में था। तो यहाँ पे जो है फीमेल लोगों का जो कट ऑफ है, यहाँ पे मेल लोगों का जो कट ऑफ है मैं लेके आ चुका हूँ। जनरल के लिए 33 से 43 फीमेल के लिए, मेल का जो 43 से 53 तक जा सकता है, एससी का जो है 26 से 36 और मेल का 35 से 45 जा सकता है। अगर BCA का जो है 29 से 39 फीमेल के लिए, अब मेल के लिए 39 से 49 तक जा सकता है, BCB के लिए 33 से 43 तो मेल के लिए 44 से 54 तक जा सकता है, EBPG के लिए 15 to 25 फीमेल के लिए, एंड मेल के लिए 23 to 33 तक इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ गाइस जा सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बारी जो है अपडेट निकल के आई है गाइस, तो इस टाइप से जो है आप सारा जो है इसमें देख सकते हैं। आपका जो है आपको तैयारी करने में, आपको प्रिपरेशन करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सपोर्ट के लिए मैं आप लोगों का के साथ हूँ।
तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।